हेलो गाइस, दिस इज रूपाली, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स बाय आरजी। सो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट से निकले, सिंगापुर पहुंचे और कैसे ऑस्ट्रेलिया, जो जो हमारे साथ जो क्वेश्चनिंग हुई या फिर जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा कि हमने क्या क्या लगेज लेके गए, क्या कितने की टिकट हुई, सारा कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमारी फ्लाइट थी रात को 9 बजे के आसपास, तो हम लोग सुबह थोड़ा जल्दी निकले थे बिकॉज 3 घंटे पहले चेक आपको एयरपोर्ट के अंदर एंटर करना पड़ता है, आपके गेट्स खुल जाते हैं, बट हम लोग गेट ओपन होने से भी आधा घंटा ऑलमोस्ट पहले पहुंच गए थे बिकॉज नहीं तो बाद में लाइन्स एंड ऑल सारा कुछ हो जाता है। सो सबसे पहले बात हमारी थी सिंगापुर एयरलाइंस, द बेस्ट, बिकॉज हमारा चेक इन लगेज था 30 kg ईच एंड 7 kg जो अपना कैबिन लगेज था, और वो 3 to 4 kg जो अपना लैपटॉप बैग और हैंड बैग लेके जा सकते हैं, ये सब आप लेके जा सकते हो। एक काम करने को साइड बैग सा भी ले जाना बिकॉज उसमें भी काफ़ी कुछ आ ही जाता है, वो कोई कुछ कहता नहीं है। सो सबसे पहले 30 kg वो आप अपना पूरा करना, 30 kg ही, मतलब 100 ग्राम कुछ कम कर लेना, वो चेक इन करा देना, वो कुछ नहीं कहते, ओके। जो 7 kg है वो हमारा वेट ही नहीं करा उन्होंने, सबसे बड़ी बात, वो हमारा था 7 kg, बट अगर हमें पता होता ना कि वो वेट ही नहीं करेंगे तो हम लोग 10 kg भी कर लेते, उनको कोई फ़र्क नहीं था, ना ही हमारा कोई लैपटॉप बैग चेक हुआ वहाँ पर कितना वेट है वगैरह, तो वो तो हमारा ऐसा ही चला गया सारा। एंड फिर उसके बाद जो हमारी टिकट्स थी वो हमारी हुई लगभग, आई गेस, आई डोंट रिमेंबर, 70,000 आई गेस आसपास, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट, बट मैं ढूंढ के आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा। सो तब उसके बाद हम लोग जो चेक इन वगैरह लगेज कराना था तो उसमें बहुत सारी लंबी लंबी लाइन्स होती हैं, बट एज आई टोल्ड यू कि हम लोग थोड़ा पहले पहुँच गए थे तो हमें सिर्फ 2-3 बंदे ही आगे मिले थे। एंड सबसे बड़ी बात, हमारे एक आगे एक अंकल आंटी थे, उन्होंने DPD पास नहीं बनवाया था तो उनको वापस भेज दिया, तो उनको फ्लाई करने की परमिशन नहीं थी, तो वो अपना मस्ट 72 आवर्स पहले बनवा लें, ओके, ये चीज़। एंड जब हम लोग फिर उसके बाद वहाँ से गए, फिर हमारा सिक्योरिटी चेक इन था, नहीं सिक्योरिटी चेक इन बाद में था, पहले हमारा इमिग्रेशन टाइप थिंग जो भी दिल्ली एयरपोर्ट पे था, दिल्ली एयरपोर्ट पे हमें पूछा गया कि आप लोग क्यों जा रहे हो, आपकी क्या स्टडी है, क्या कोर्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या लोकेशन है, काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस पूछे दिल्ली एयरपोर्ट पर, ओके। तो उन्होंने इतना सब पूछा, फिर हमारे सिक्योरिटी चेक इन, जो भी अपने लेदर शू, मैंने एक्चुअली, मेरे से कुछ एक गलती वाला सीन, हाई नेक शूज़ पहन लिए थे मैंने, मतलब इतने में ही नॉर्मल जो अपने स्नीकर्स जॉर्डन वगैरह होते हैं वैसे, तो दे सेट कि इसको रिमूव करके ट्रे में रखो, ओके, रख दिए। नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पे तो हम दोनों के निकलवाए थे, चाहे छोटे थे, सिंगापुर एयरपोर्ट पे सिर्फ मेरे निकलवाए थे क्योंकि हाई नेक थे, तो ट्राई करना कि हाई नेक ना ही पहन के जाओ, वहाँ पे शूज़ निकलवाते हैं आपके, और जो भी लेदर का सामान है आपका वो भी ट्राई करो, अपने बैग्स वगैरह में रख दो, बाकी अगर आपने कुछ बेल्ट या कुछ और पहना है लेदर का, आपका वॉलेट वगैरह है, वो सारा कुछ आपको एक ट्रे दे देंगे, उसमें रखना होता है सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग आपका मोबाइल चार्जर, को भी लिथियम आयन बैटरी है जिस भी चीज़ के अंदर, वो चीज़ आपको वो ट्रेस के अंदर रखने, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ आपको बैग्स के बैग्स आपको एज इट इज़ रख देने पड़ते हैं, वो आपके स्कैन होके आगे चले जाते हैं। मेरे बैग में एक वो था, नेल फाइलर था, तो उन्होंने वो पिन आउट कर रखे आपके इस बैग में कुछ शार्प ऑब्जेक्ट है, कहते हैं, मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑफिसर ने बोला कि शायद नेल फाइलर ना हो, तो आई सेड कि हाँ शायद है नेल फाइलर तो है, तो वो मैंने निकाल के दिया, उन्होंने फिर से स्कैन करा, फिर वो अप्रूव करा, कहते कोई बात नहीं आप ले जाओ। अब मैंने पूछ लिया था अगर आगे नहीं लेके जा सकते तो आई कैन थ्रो इट अवे, तो ही सेड कि नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक इट विद यू, तो वो सब हो गया। फिर आगे ड्यूटी फ्री में हमने कुछ भी नहीं लिया, हमें कुछ ज़रूरत खास है भी नहीं थी। उसके बाद अपना वही थोड़े टाइम बाद हम लोग इधर उधर गए, बोर्डिंग गेट पर खाना पीना खा लिया,
तो उसके बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। बोर्डिंग स्टार्ट होने से पहले एक्चुअली हम लोग लॉन्च में भी गए थे, तो वो टिकटॉक देख के कि 25 रुपीज़ में आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप ये ले वहाँ पर चले जाओ, ये वो कुछ नहीं होता ऐसा। कुछ इलाइट या प्रीमियम कार्ड्स होते हैं जो क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो वो कुछ होता है स्पेसिफिक उनके लिए ही अवेलेबल है, हर के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो वहाँ पे लिखा होता है कि इलाइट है या प्रीमियम कार्ड्स होते हैं, सिर्फ वही जा सकते हैं। फिर उसके बाद बोर्डिंग पे हम लोग जाके बैठ गए अपना, फिर वही अपना सीट सूट हमने चेक करी सारा, वो कुछ ओके था। एंड फ्लाई करे थोड़ा ऐसे, बहुत कुछ खास डर वगैरह नहीं लगा। एंड मेन बात कि आपको इंडिया में से जब आप फ्लाई करते हो तो आपको वेज नॉन वेज का दोनों का ऑप्शन होता है, तो हम लोगों ने वेज ले लिया था। बट द थिंग इज़, अगर आप जब भी आपका ले ओवर है कहीं पे भी आप स्टे कर रहे हो 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा कहीं पे भी, तो जहाँ भी आपकी टिकट मेंशन, टिकट आप जब भी बुक करवा रहे हो, इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन तो मस्ट मेंशन कि आई वॉन्ट वेजिटेरियन फूड, बिकॉज वो बुक करना पड़ता है। हमने बुक नहीं करा था तो दैट वॉज अ प्रॉब्लम विद अस। हमने बोला कि वी आर से नो दे सेड कि अगर आपकी कोई बुकिंग नहीं है तो वी कांट गिव यू। आई सेड ओके ही देन लीव इट। उन्होंने फिर बोला कि आपको हम लोग नूडल्स बना के दे, इंस्टेंट नूडल्स। आई सेड ओके, बट बाय चांस उनके पास एक मील पड़ी थी जो वो किसी ने नहीं ली, उन्होंने नॉन वेज ऑप्शन ले लिया वेज की जगह पे, तो इसलिए वो हमें एक मील तो दे दी। दूसरी मील उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया, तो मैंने दोबारा पूछा कि दूसरी मील कहाँ पर है, तो उन्होंने दूसरी मील भी दे दी, दैट वाज पैनकेक्स। तो वो बोले कि ये भी अवेलेबल था, तो चलो वो तो अब अपना तो हो गया था सिस्टम। बट अगर नेक्स्ट टाइम के लिए कि लेसन है कि अपना पहले से उनको बता दो कि हमें वेजिटेरियन ऑप्शंस चाहिए फूड में। ओके दैट वाज इट। एंड जो सबसे मेजर बात, जो सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं कि आके हमारी ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन कैसी होगी। सिंगापुर हमें कुछ नहीं पूछा किसी ने, कुछ नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो जो हम लोगों ने वहाँ पर हाँ एक और बात, जो सिंगापुर एयरपोर्ट है वहाँ पर चेकिंग बहुत ज़्यादा थी। अगर आपके पास कुछ खाने के आइटम है तो आप नहीं लेके जा सकते, आपके हाथ में वगैरह कुछ मतलब पानी की बॉटल है उसको एम्प्टी करो, या आपको कुछ खाने चिप्स चिप्स वगैरह कुछ लेज या कोई कोल्ड ड्रिंक है, इफ़ यू वांट टू फिनिश नाउ आप फिनिश कर लो, नहीं आप आगे नहीं लेके जा सकते। दैट वाज अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, बट बाकी हमारे पास तो खाली पानी ही था, हम लोग तो फेंक ही दिया था। एंड उसके बाद आगे हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया आए, हमारी इमिग्रेशन हुई, दैट वाज नथिंग। उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा, व्हाई आर यू हियर, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। तो हमने अपनी तसल्ली के लिए उनसे, उन्होंने स्टैंपिंग वगैरह कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला ओके अब चले जाओ। उन्होंने फ़ोटो वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी होती है बेसिक सी, फ़ोटो क्लिक करी, हमारा पासपोर्ट देखा और वीज़ा भी नहीं देखा। एक्चुअली वीज़ा था शायद, नहीं वीज़ा भी नहीं देखा शायद, अपना वीज़ा और पासपोर्ट ही शायद देखा था। उन्होंने एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा, व्हाई आर यू हियर और आपको क्या पर्पस आने का, नथिंग नथिंग एट ऑल। तो मेन बात यही है कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पर्थ वगैरह आ रहे हो, अगर आपके पास सही है, आपके पास कोई फालतू सामान नहीं है, आपके पास प्रॉपर वीज़ा वैलिड है, कोई खास क्वेश्चंस के भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है नहीं। इतना कुछ मतलब यूट्यूब पे लिखा हुआ है ना कि इमिग्रेशन क्वेश्चन चाहिए वो, अगर मैंने भी बनाई थी वीडियो बिकॉज मैंने भी तैयार करे थे अपनी तरफ से, हम लोग सब एक सेफ साइड लेके चलते हैं, बट इतनी कोई खास ज़रूरत है नहीं। एंड द लास्ट थिंग वॉज स्टैम्पिंग। स्टैम्पिंग आजकल होती नहीं, बट आई वॉन्ट कि मेरे वीज़ा पे स्टैम्प लग जाए, तो हमने पूछा कि आई वॉन्ट अ स्टैम्प एंड एंड ऑल, एक ऑफिसर से पूछ लिया, तो उन्होंने हमारे पासपोर्ट पे एक सिंपल से नॉर्मल से स्टैम्प लगा दी। ओके फिर हम लोग वहाँ से निकले, आगे जो सिक्योरिटी चेक इन हो रहा था वहाँ पर भी हमसे पूछा गया कि डू यू हैव एनी काइंड ऑफ मेडिसिन और एनी थिंग इलीगल। वी सेड नो, आई सेड येस आई हैव मेडिसिन बट इन दैट इज़ इन माई चेक इन लगेज। एंड वो पूछ रही थी वट काइंड ऑफ मेडिसिन, सेड दे आर माई पर्सनल मेडिसिन लाइक फीवर एंड एंटीबायोटिक्स। सेड ओके यू कैन गो। हमारे वहाँ पर कुछ एक चेकिंग ही नहीं हुई, मतलब कोई एक स्कैनर से हमारा बैग भी नहीं निकला। हम लोग गए, अपना चेक इन लगेज उठाया,
एयरपोर्ट के बाहर भैया हमें लेने आ गए, हम लोग घर चले गए. दैट वॉज इट लिटरली. सो यही सब था. एंड बाकी आप विजुअल्स पार्ट वन पार्ट टू में देख ही लो. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस वॉज ऑल द वीडियो फॉर टूडे एंड आई होप यू गाइज लाइक इट. एंड नेक्स्ट वीडियोज आने वाली है. सो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड मिलते हैं जल्दी.